मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से एक कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, और ये कहानी है एक नाटे व्यक्ति की। एक नाटा व्यक्ति जिसका नाम जकई था। आप लोग सब जानते होंगे जकई नाटा। बहुत से लोग जो होते हैं नाटे व्यक्ति होते हैं, चिढ़ाते हैं नाटा नाटा करके, और वो बहुत छोटे कद का व्यक्ति था। और वो जो था टैक्स कलेक्टर था, जिसको हिंदी में चुंगी लेने वाला कहते हैं। टैक्स कलेक्टर जो था वो था, टैक्स लेता था वो। उसने प्रभु यीशु मसीह का नाम जो था बहुत सुन रखा था, बहुत उसके आश्चर्यकर्म के बारे में उसके बारे में सुन रखा था, और वो देखना चाहता था। क्योंकि अगर आप देखो उस समय यीशु मसीह जो था चारों तरफ बहुत से देशों में, बहुत से शहरों में, बहुत से गांव में बहुत फेमस था, और वो देखना चाहता था। उसकी जिज्ञासा थी कि मैं यीशु मसीह को एक बार देखना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं, आखिर वो है कैसा। बेचारा, उसने सुना ना कि यीशु मसीह आ रहा है। अब जब उसने सुना कि यीशु मसीह आ रहा है, वो छोटे छोटे कदमों से भागता हुआ गया, और उसके चारों तरफ जो थी भीड़ रहती थी बहुत। अब उसने देखा कौन सा है प्रभु यीशु मसीह, कौन सा है। बेचारा उचक उचक के कूद के देख ही नहीं पा रहा, क्योंकि उस समय लंबे चौड़े आदमी हुआ करते थे, और वो बेचारा नाटा था। अब वो बीच में भी घुसने की कोशिश करा कि मैं बीच में घुस के उस तक पहुंच जाऊं, मगर किसी ने उसे धक्का दे दिया, किसी ने उसे फेंक दिया। वो बेचारा बड़ा परेशान, बड़ी कोशिश करी उसने कि मैं किसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच जाऊं, उसे देखूं। तो आपका भी कोई हीरो होता है ना, जब कोई हीरो आपके शहर में या आपके गांव में या आता है, तो आप उसे देखने के लिए भागते हैं, चाहे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, एक झलक मिल जाए, एक झलक। अब ये भी, इसका हीरो कौन था? इसका हीरो तो जकई का हीरो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। वो उसे देखना चाहता था, और इसलिए बहुत सी चोटें उसे लगी, गिर गया, पड़ गया, बहुत परेशान हो गया। उसे जगाने के लिए उसने कहा क्या करूं, सर को जाने लगा क्या करूं। नाटा सो तो था बिल्कुल। वो देखा कि यीशु मसीह इस रास्ते पर जा रहा है। अब बेचारा वो टुड़ुंग 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 करता भागता जो था वो उस रास्ते पर चला गया। अब उसने आगे जाके देखा एक गुलर का पेड़ था। अब वो जो था बेचारा किसी तरीके से, अब देखिए परिश्रम कितना कर रहा है सिर्फ यीशु मसीह को कि एक झलक देखना चाह रहा है। अब वो बेचारा छोटे छोटे कदमों से, हाथों से पकड़ता हुआ किसी तरीके से गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। जब गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, उसने यीशु मसीह को देखा, भीड़ आ रही है। अब यीशु मसीह तो सब कुछ जानता है। अब यीशु मसीह को पता चल गया कि एक व्यक्ति ऐसा है जो मुझे देखना चाहता है, सिर्फ देखना चाहता है वो मुझे। अब वो जो है यीशु मसीह मन ही मन मुस्कुराता हुआ उस गुलर के पेड़ की तरफ बढ़ रहा है। अब मुस्कुराता हुआ यीशु मसीह उस गुलर के पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो गया। हाँ, वो जो था, अरे ये है यीशु मसीह, ये है। और यीशु मसीह ने जब ऊपर उसे देखा और कहा जकई नीचे आ, अरे यीशु मसीह ने मेरा नाम लिया। पहले तो वो सोचने लगा कि ये सही में मेरे नाम लिया है। अब देखिए इतना फेमस है और इतना वो, और वो बड़ा उत्साहित हो गया। प्रभु मैं, हाँ भाई पेड़ पे अकेले तू है ना, तो तू ही नीचे आ, जकई नीचे आ, तुम तो अकेला, और कौन है तेरे साथ पेड़ पे, नीचे आ। अच्छा प्रभु मैं, भैया वो वहीं से जो था किसी तरीके से आया कूदता फांदता और प्रभु के आगे खड़ा हो गया। प्रभु जी आज्ञा। प्रभु ने कहा जकई आज मैं तेरे घर में तेरे साथ भोजन करना चाहता हूं, तेरे घर में आना चाहता हूं, क्या मुझे ले जाएगा अपने घर में? हाँ प्रभु क्यों नहीं। अब सोचिए उसकी तो मन की मुराद पूरी हो गई। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था, वो तो सिर्फ देखना ही चाहता था। और वो जब वो सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि प्रभु से बातें कर रहा है और प्रभु उसके घर में आने के लिए कह रहा है, वो सांप चला गया। बहुत से लोगों को बहुत बुरा लगा जो उसके साथ जाने कितने मीलों से चल कर आ रहे थे कि देखो प्रभु मेरे घर तो आया नहीं, हमसे तो बात नहीं करी, है ये पापी से बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूं, और ये भी अब्राहम की एक संतान है। और जकई क्या कहने लगा, प्रभु मैंने जिसका भी लूटा है, जिसका भी मैंने लिया है, उसका चार गुना लौटा दूंगा,
मैं सब कुछ बांट दूंगा, अब मैं किसी को लूटूंगा नहीं, मैंने जो भी कमाया है, जो भी मेरे पास है, मैं उन सबका चौगना लौटा दूंगा, मैं अपने पास कुछ नहीं रखूंगा, प्रभु बस मुझे अपनी शरण में। प्रभु बहुत खुश हुआ, बोला जक्कई मैं तेरे साथ ही हूं, मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर। अब जक्कई जो था बहुत खुश हुआ और उसका जीवन जो था बदल गया। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे साथ प्रभु है, प्रभु सही में जब हमारी इच्छा होती है प्रभु को देखने की, प्रभु से मिलने की, जब ये इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो सही में प्रभु हमसे मिलता है, प्रभु हमसे मिलना चाहता है, प्रभु खुद मिलना चाहता है, परंतु हमारे अंदर उससे मिलने की तो इच्छा होना चाहिए जैसे जक्कई के अंदर थी। हमें उसे देखने की तो इच्छा होनी चाहिए, उससे बातचीत करने की तो इच्छा होनी चाहिए। और फिर आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 पद पढ़ेंगे, वहां तो प्रभु खुद आपके दरवाजे पर आकर खटखटा रहा, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। प्रभु की तो खुद इच्छा है कि वो मिलना चाहता है। आप अपने दिल का द्वार, अपने घर का द्वार खोले तो आइए प्रभु मेरे घर में, प्रभु आना चाहता है, जक्कई के समान आना चाहता है, आपके साथ खाना खाना चाहता है, आपके साथ बैठना चाहता है, आपके साथ बातचीत करना चाहता है। क्या आप नहीं देखना चाहेंगे? क्या आप प्रभु से नहीं मिलना चाहेंगे? चाहेंगे ना मिलना? ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आज से शुरू हो जाइए, प्रभु से मिलने की तैयारी कीजिए और बहुत जल्दी आप खुद इस बात की गवाही देंगे, पास्टर साहब सही में हम प्रभु से मिले, हमने प्रभु का दर्शन पाया, हम प्रभु से बातचीत करने पाए। अब देखिएगा आप खुद गवाही देंगे और प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।